Good morning guys, this is Anil K. Sharma and welcome you all to my channel Oracle Tech India. और आज का हमारा वीडियो लेक्चर है सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम के बारे में. तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम क्या है. तो आइए समझते हैं कि सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम क्या है. टाइप्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम, तो समझते हैं कि डेटाबेस सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं. तो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम. डेटाबेस सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, पहले को सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम बोलते हैं और दूसरे को पैरेलल डेटाबेस सिस्टम बोलते हैं. तो आइए समझते हैं कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम क्या है. तो द डेटाबेस इज लोकेटेड एंड मेंटेन्ड इन वन लोकेशन. तो सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम में क्या होता है कि डेटाबेस को पर्टिकुलर एक लोकेशन पे स्टोर करके रख दिया जाता है और उसी पर्टिकुलर वन लोकेशन पे उस डेटाबेस को मेंटेन भी की जाती है. तो ऑल द डेटा इज लोकेटेड इन वन प्लेस. तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी डेटा जो है एक पर्टिकुलर प्लेस पर वो जो है लोकेटेड होती है. यू हैव वन लार्जर कंप्यूटर लाइक मेन फ्रेम टू विच यू कनेक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ टर्मिनल्स. तो जो डेटाबेस है या जो फिर ऑल द डेटा जहां पर स्टोर है उसको हम मेन फ्रेम बोलते हैं. मतलब एक आपके पास बड़ा कंप्यूटर है उसको मेन फ्रेम बोलते हैं और उसी मेन फ्रेम में जो है डेटाबेस को स्टोर कर दिया जाता है और उसी मेन फ्रेम में डेटाबेस को मेंटेन किया जाता है. तो मतलब ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द डेटा जो है वो लोकेटेड होती है वन लोकेशन, मतलब एक मेन फ्रेम पे. और एक मेन फ्रेम को हम एक लार्जर कंप्यूटर भी बोल सकते हैं और उसी मेन फ्रेम के साथ जो है ये लार्ज नंबर ऑफ टर्मिनल्स को ऐड कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है. टर्मिनल्स मतलब यहाँ पे हम पीसी को बोल सकते हैं. तो ये लार्ज नंबर ऑफ पीसी, ए लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स या फिर ए लार्ज नंबर ऑफ टर्मिनल्स को हम क्या करते हैं, उस मेन फ्रेम के साथ जोड़ देते हैं और उसके बाद एवरीवन इज वर्किंग डायरेक्टली ऑन द टर्मिनल कनेक्टेड टू द मशीन दैट होल्ड्स द डेटाबेस. और उसके बाद क्या होता है कि हर कोई, एवरी एम्प्लॉय क्या करता है, अपने अपने टर्मिनल पर वर्क करता है और उनका अपना अपना टर्मिनल जो है वो मेन फ्रेम वाले मशीन से जुड़ा हुआ होता है और उसी मेन फ्रेम वाले मशीन में पूरा का पूरा डेटाबेस स्टोर होता है. एंड डेटा गेट्स डिस्प्लेड ऑन टर्मिनल व्हेन एवर इट इज रिक्वायर्ड. तो टर्मिनल सारे मेन फ्रेम्स के साथ जुड़े हुए होते हैं और मेन फ्रेम में पूरा का पूरा डेटाबेस स्टोर होता है. तो एक यूजर, एक एम्प्लॉई अपने टर्मिनल पे जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा जब चाहे तब वो एक्सेस कर सकता है अपने टर्मिनल से उस मेन फ्रेम में जो डेटाबेस स्टोर है उस डेटा को. तो ए डेटाबेस हुज कंप्लीट डेटा इज लोकेटेड एट ए सिंगल कंप्यूटर कॉल्ड डेटाबेस सर्वर. तो एक डेटाबेस है और उस डेटाबेस का जो कंप्लीट डेटा है वो स्टोर होता है किसके ऊपर, सिंगल कंप्यूटर के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेन फ्रेम बोलते हैं. तो उसी मेन फ्रेम को हम यहाँ पे डेटाबेस सर्वर भी कह सकते हैं. एंड ऑल द यूजर्स एक्सेस दिस सिंगल डेटाबेस ओनली इज नोन एज सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस. और जितने भी यूजर्स हैं वो क्या करता है, ये जो डेटाबेस सर्वर है, ये जो मेन फ्रेम है हमारा, उस मेन फ्रेम से या उस डेटाबेस सर्वर से सारे यूजर्स क्या करते हैं, डेटा को एक्सेस करते हैं. तो इसीलिए इसको सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बोलते हैं. तो द सेंट्रलाइज्ड लोकेशन इज एक्सेस्ड बाय एन इंटरनेट कनेक्शन लैन वैन ईटीसी. तो जो मेन फ्रेम है हमारा,
तो मेन फ्रेम में जो डेटाबेस स्टोर है, तो उस डेटा को हम अपने टर्मिनल से जब एक्सेस करते हैं तो वो एक्सेस होता है इंटरनेट की हेल्प से, यानी कि लैन और वैन की हेल्प से। अगर एक ही बिल्डिंग में बैठ करके सारे यूजर्स मेन फ्रेम में से डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पर इंटरनेट का जो कनेक्शन होगा उसको लैन बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। और उस बिल्डिंग से बाहर कोई और दूसरी बिल्डिंग है, यानी कि उसी कंपनी का कोई दूसरा ब्रांच है, तो वहाँ से अगर कोई एम्प्लॉई जो है उस मेन फ्रेम से डेटाबेस को एक्सेस करेगा तो वहाँ पर जो इंटरनेट कनेक्शन होगा वो होगा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क का कनेक्शन होगा। तो द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस इज मेनली यूज्ड बाय द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। तो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस को यूज करता है ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज वगैरह यूज करते हैं, जो कोर्सेस वगैरह सिखाते हैं वो यूज करते हैं, या कंपनियां भी उसको यूज करती है। तो यहाँ पर हमारे पास डायोग्राम है जिसमें सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का एक बॉक्स है, तो यहाँ पर ये हमारा मेन फ्रेम है और इसमें पूरा का पूरा डेटाबेस स्टोर है, और इससे यहाँ पर एक क्लाइंट जुड़ा हुआ है जिसको हम पीसी बोल सकते हैं, जिसको हम क्लाइंट बोल सकते हैं, जिसको हम टर्मिनल बोल सकते हैं। तो ये क्लाइंट वन या ये टर्मिनल वन या इस पीसी से क्लाइंट क्या कर सकता है, यूजर क्या कर सकता है, अपने रिक्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन को सेंट्रलाइज डेटाबेस से एक्सेस कर सकता है, और एक्सेस करने के लिए उसको लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क के कनेक्शन की भी जरूरत होगी। उसी तरीके से क्लाइंट टू सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्वर से जुड़ा हुआ है, क्लाइंट थ्री भी सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्वर से जुड़ा हुआ है, और क्लाइंट फोर भी सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्वर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो डायोग्राम है ये सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम का डायोग्राम है। दी एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रलाइज डेटाबेस आर एज फॉलोस। तो नीचे यहाँ पर हमारे पास सेंट्रलाइज डेटाबेस के तीन एग्जाम्पल्स है, तो इन तीनों एग्जाम्पल को एक एक करके देखते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस जो है ये एक सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम का एग्जाम्पल है। उसके बाद सेंट्रल कंप्यूटर डेटाबेस, ये भी सेंट्रलाइज डेटाबेस का एग्जाम्पल है, और क्लाइंट सर्वर डेटाबेस, ये भी सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो हमारा ओरेकल का जो सॉफ्टवेयर है वो क्लाइंट सर्वर डेटाबेस सिस्टम ही है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस क्या है। तो ये पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस इज नॉर्मली क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ए सिंगल यूजर ऑन द पर्सनल कंप्यूटर। तो एक यूजर है, अपना पीसी यूज कर रहा है, वो अपना कंप्यूटर वो चला रहा है, तो वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने ही पीसी में एक डेटाबेस को क्रिएट कर सकता है। तो और डेटाबेस को क्रिएट करके वो यूज कर सकता है। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि ए पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस इज नॉर्मली क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ए सिंगल यूजर ऑन द पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस में क्या है कि कोई भी सिंगल यूजर अपने पीसी पे खुद का एक डेटाबेस बना करके उसको मेंटेन कर सकता है। तो इट इज यूज्ड फॉर सिंपल अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कस्टमर बिलिंग सिस्टम्स। तो आप लोग जानते ही होंगे कि अकाउंटिंग वगैरह का जो काम होता है, या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो काम होता है, कस्टमर बिलिंग सिस्टम का जो काम होता है, तो इन सब से रिगार्डिंग जो है डेटाबेस जो है अपने ही पीसी पर, यूजर या एम्प्लॉय अपने ही पीसी पर क्या करता है, डेटाबेस को क्रिएट करके और डे टू डे टास्क वो परफॉर्म करता है। अकाउंटिंग से रिलेटेड टास्क वो परफॉर्म करता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिगार्डिंग टास्क वो परफॉर्म करता है, और कस्टमर बिलिंग सिस्टम वाला भी काम वो अपने ही कंप्यूटर में बने या क्रिएटेड डेटाबेस को यूज करके वो करता है। इट इज कॉमनली यूज्ड इन स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
छोटे मोटे बिजनेस में और ऑर्गेनाइजेशन में जो है पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस को यूज़ किया जाता है इफ देर इज़ ए नीड टू शेयर डेटा, और अगर डेटा को शेयर करने की ज़रूरत पड़ जाए तो दिस डेटाबेस कुड बी स्टोर्ड ऑन डेटाबेस सर्वर इन ए लोकल एरिया नेटवर्क। तो इस डेटाबेस को क्या किया जाता है, किसी डेटाबेस सर्वर पे रख दिया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क में, और वहाँ से नेट के थ्रू, लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि नेट के थ्रू उस डेटाबेस सर्वर पे जिस पर पर्सनल कंप्यूटर का डेटाबेस स्टोर करके रखा गया है उसको वहाँ से शेयर कर लिया जाता है, वहाँ से एक्सेस कर लिया जाता है। सो द मल्टीपल यूज़र कैन एक्सेस एंड अपडेट द डेटाबेस। तो इसको सर्वर पे, पर्सनल कंप्यूटर वाला डेटाबेस कभी कभी सर्वर पर रख दिया जाता है ताकि जो है मल्टीपल यूजर्स जो है उस डेटाबेस को एक्सेस कर सके और उस डेटाबेस में कुछ भी इंफॉर्मेशन अपडेट कर सके। तो ये था पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस के बारे में। सेंट्रल कंप्यूटर डेटाबेस, तो देखते हैं कि सेंट्रल कंप्यूटर डेटाबेस क्या है। तो द सेंट्रल कंप्यूटर डेटाबेस आर कॉमनली यूज्ड इन सेंट्रल कंप्यूटर इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बड़ी कंपनी में, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही कंप्यूटर पे पूरे डेटाबेस को जो है मेंटेन की जाती है तो उसको सेंट्रल कंप्यूटर डेटाबेस कहते हैं। तो दे आर जनरली यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर नो सिक्योरिटी और प्रॉपर ऑथेंटिकेशन ऑफ यूजर इज नीडेड। तो सेंट्रल कंप्यूटर डेटाबेस हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसमें, और ना ही उसमें मतलब ऑथेंटिकेशन को ध्यान में रखा जाता है, यानी कि कोई भी जिसको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लेगा चाहे उसके पास प्रॉपर ऑथेंटिकेशन हो या ना हो। तो इसमें क्या होता है कि वन ऑफ द कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क इज सिलेक्टेड टू होस्ट द डेटाबेस विच इज क्रिएटेड यूजिंग एमएस एक्सेस। तो इसमें क्या होता है कि नेटवर्किंग के एनवायरनमेंट में जो है किसी भी एक कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लिया जाता है और उसी कंप्यूटर पे डेटाबेस को रख करके उसको होस्ट कंप्यूटर बना दिया जाता है। होस्ट कंप्यूटर का मतलब कि वो कंप्यूटर जो है उसमें डेटाबेस को स्टोर कर दिया जाता है, तो कोई भी यूजर जो है उसी कंप्यूटर से डेटाबेस को एक्सेस कर लेगा। और उस पर जब डेटाबेस वगैरह क्रिएट किया जाता है तो उसके लिए एमएस एक्सेस वगैरह को यूज करके डेटाबेस को क्रिएट किया जाता है। और अदर यूजर्स इन द नेटवर्क फ्रीली एक्सेस दिस डेटाबेस विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन। और बिना ऑथेंटिकेशन के कोई भी दूसरा यूजर जो है नेटवर्किंग के थ्रू जो है उस डेटाबेस को फ्रीली एक्सेस जो है कर लेते हैं। तो द सेंट्रल कंप्यूटर डेटाबेस सिस्टम इज शोन बिलो। तो नीचे जो डायग्राम है हमारे पास, ये सेंट्रल कंप्यूटर डेटाबेस का जो है एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर एक सेंट्रल लोकेशन है, मतलब ये एक कंप्यूटर है और इसको जो है नेटवर्किंग के एनवायरनमेंट में एक कंप्यूटर को जो है होस्ट कंप्यूटर बना दिया गया है, और इस होस्ट कंप्यूटर पे डेटाबेस को इंस्टॉल कर दिया गया, मतलब डेटाबेस को स्टोर कर दिया गया है एमएस एक्सेस वगैरह के सॉफ्टवेयर को यूज़ करके। और ये बहुत सारे यूजर्स हैं अपने अपने टर्मिनल से जो है यहाँ से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन को ये सारे टर्मिनल सारे यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं, तो इसी को सेंट्रल कंप्यूटर डेटाबेस बोलते हैं। तो सेंट्रल कंप्यूटर डेटाबेस में जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और प्रॉपर ऑथेंटिकेशन वाले यूजर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी यूज़र जिसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए बिना ऑथेंटिकेशन के जो है अपने रिक्वायरमेंट वाले इंफॉर्मेशन को वो अपने एंड से अपने कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं।
अब देखते हैं सेंट्रल कंप्यूटर डेटाबेस के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज देखते हैं, तो इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये जो है मच इजियर टू मैनेज एंड मेंटेन। इसको मेंटेन करने में और इसको मैनेज करने में ज़्यादा इजी है, ये मच इजियर है। सेकंड जो एडवांटेज है वो ये है कि स्पीड ऑफ ऑपरेशन, आप जो है इन्फॉर्मेशन को बहुत ही तेजी से एक्सेस कर सकते हो और किसी भी इन्फॉर्मेशन को बहुत तेजी से आप अपडेट भी कर सकते हो। उसके बाद अपग्रेड करने में, बैकअप्स वगैरह लेने में और मिररिंग करने में, मतलब दो कॉपीज, एक इन्फॉर्मेशन की दो कॉपीज वगैरह बनाकर रखने में ये ज़्यादा आसान है। डिसएडवांटेज देखते हैं, डिसएडवांटेज क्या है, इफ सेंट्रल गोज डाउन एवरीथिंग इज डाउन। अगर जिस सिस्टम को हमने होस्ट सिस्टम बनाया है, जिस पे हमारा डेटाबेस रखा हुआ है, अगर वो सिस्टम फेल हो जाता है, डाउन हो जाता है वो, तो आपका डेटाबेस डाउन हो जाएगा। मतलब उससे जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर्स हैं और उन कंप्यूटर्स पे बैठ करके यूजर्स अपने रिक्वायरमेंट के इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है, तो वो अब इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इफ सेंट्रल गोज डाउन एवरीथिंग इज डाउन। सेकेंड जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इट इज़ द सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर दैट कैन ब्रिंग एन एंटायर कंपनी डाउन इन द इवेंट ऑफ सर्वर क्रैश। अगर उसका सर्वर क्रैश हो गया, वो मेन कंप्यूटर क्रैश हो गया, तो पूरा का पूरा कंपनी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। मतलब उस टाइम के लिए कंपनी पूरी बंद हो जाएगी, मतलब सारा काम बंद हो जाएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइंट सर्वर डेटाबेस। तो हमारा जो है ओरेकल का जो सॉफ्टवेयर है वो क्लाइंट सर्वर डेटाबेस जो है बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो जब हम 11c या 12c का डेटाबेस पढ़ेंगे ओरेकल का, तो उसमें जो है क्लाइंट सर्वर डेटाबेस के बारे में भी बताया जाता है। तो आइए देखते हैं कि क्लाइंट सर्वर डेटाबेस सिस्टम क्या है। तो इट इज़ यूज्ड इन स्मॉल टू मीडियम साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर डेटा अमंग मल्टीपल यूजर्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो क्लाइंट सर्वर डेटाबेस सिस्टम जो है वो स्मॉल से लेकर के मीडियम साइज के ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है। और क्लाइंट सर्वर डेटाबेस के एनवायरनमेंट में हम क्या कर सकते हैं कि डेटा को मल्टीपल यूजर्स में हम शेयर कर सकते हैं। कंपनी में काम करने वाले जितने भी यूजर्स हैं, वो सारे यूजर्स जो है अपने हिसाब से अपने डेटा को जो है सर्वर से, डेटाबेस के सर्वर से डेटा को फेच कर सकते हैं। तो इन द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि व्हेन द क्लाइंट कंप्यूटर सेंड्स ए रिक्वेस्ट फॉर द डेटा टू द सर्वर, यानी कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि सर्वर पे डेटा पड़ा हुआ होता है, तो उस डेटा के लिए जब क्लाइंट कंप्यूटर का मतलब है कि जिस कंप्यूटर पे यूजर बैठा हुआ है, तो यूजर क्या करेगा, अपने कंप्यूटर पे एक डेटाबेस का एप्लीकेशन खोल करके और एक आईडी वगैरह डाल करके डेटा को फेच करेगा, तो उसको क्लाइंट कंप्यूटर बोलते हैं। तो क्लाइंट कंप्यूटर क्या करेगा, रिक्वेस्ट को सेंड करेगा अपने टर्मिनल से, अपने सिस्टम से डेटा के लिए, और किसके पास भेजेगा, डेटाबेस के सर्वर के पास, ठीक है। और किसकी मदद से भेजेगा, इंटरनेट की मदद से भेजेगा। तो सर्वर क्या करेगा, उसके एक्सेप्ट को, रिक्वेस्टेड एक्सेप्ट को क्या करेगा, आगे प्रोसेस कर देगा। अब प्रोसेस करके जो इन्फॉर्मेशन उसने मांगी है वो इन्फॉर्मेशन ले करके सीधे जो है उस क्लाइंट के पास डिलीवर कर देगा। तो बेसिकली क्लाइंट सर्वर डेटाबेस सिस्टम में यही होता है कि एक कंपनी के अंदर जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, जितने भी यूजर्स होते हैं, वो अपने सिस्टम पे बैठकर
जो है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर से फेच करते हैं, तो उसका वो रिक्वेस्ट जो है डेटाबेस के सर्वर के पास जाता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उसके रिक्वायरमेंट वाले इंफॉर्मेशन को जो है फेच करके उस क्लाइंट के पास भेज देता है। तो क्लाइंट सर्वर डेटाबेस सिस्टम में यही होता है। अब इसमें क्या होता है कि जिस क्लाइंट ने अपने रिक्वायरमेंट वाले इंफॉर्मेशन को फेच किया है उस डेटाबेस सर्वर से, तो वो क्लाइंट जो है उसका वो क्लाइंट जो है अपने उस इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे के साथ शेयर करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो क्लाइंट डू नॉट शेयर एनी ऑफ देयर रिसोर्सेस, यानी कि क्लाइंट ने जो भी इंफॉर्मेशन फेच किया है डेटाबेस सर्वर से, तो उस डेटा को किसी के भी साथ शेयर करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो क्लाइंट सर्वर डेटाबेस के एग्जाम्पल्स देखते हैं कौन कौन से हैं। तो ईमेल आपका क्लाइंट सर्वर डेटाबेस का एग्जाम्पल है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि सर्च इंजन, गूगल का जो सर्च इंजन है, हम क्या करते हैं, हम बैठते हैं गूगल पे कुछ भी टाइप करते हैं, तो हम क्या हो गए, हम यहाँ पर क्लाइंट हो गए। हमने जो भी इंफॉर्मेशन उसमें डाली है वो हमारा रिक्वेस्ट हो गया, और वो क्या करेगा, पीछे सर्वर पर जा करके पीछे सर्वर पर वो रिक्वेस्ट चली जाएगी और वो सर्वर जो है आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा देगी। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज टू अलाउ मल्टीपल यूजर्स इन नेटवर्क टू एक्सेस डेटाबेस और टू शेयर रिलेटेड डेटा। तो क्लाइंट सर्वर डेटाबेस का जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि इस सिस्टम के माध्यम से क्या है कि मल्टीपल यूजर्स अपने रिक्वायरमेंट वाली इंफॉर्मेशन को नेटवर्किंग के थ्रू जो है डेटाबेस के सर्वर से एक्सेस कर पाएंगे, तो उनके अपने काम वाले इंफॉर्मेशन को वो शेयर कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। दिस क्लाइंट सर्वर डेटाबेस सिस्टम इज मोर सिक्योर देन सेंट्रल कंप्यूटर डेटाबेस। तो क्लाइंट सर्वर डेटाबेस जो है वो पीछे जो हमने देखा है सेंट्रल कंप्यूटर डेटाबेस, उसकी तुलना में, उसके कंपैरिजन में ये क्लाइंट सर्वर डेटाबेस ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि जो है सेंट्रल कंप्यूटर डेटाबेस में एक प्रॉपर ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई भी यूज़र इंफॉर्मेशन को फेच कर सकता है, बट क्लाइंट सर्वर डेटाबेस में एक प्रॉपर ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो क्लाइंट सर्वर डेटाबेस सेंट्रल कंप्यूटर डेटाबेस से ज़्यादा सिक्योर क्यों है, क्योंकि सर्वर कंप्यूटर अलाउज एक्सेस टू द डेटाबेस टू ओनली ऑथेंटिकेटेड यूजर्स और ऑथेंटिकेटेड यूजर्स ऑन क्लाइंट कंप्यूटर्स। तो ये ज़्यादा सिक्योर इसलिए है क्योंकि सर्वर कंप्यूटर केवल डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए उन्हीं यूजर्स को अलाउ करता है जो ऑथेंटिकेटेड है, यानी कि जिसके पास यूजर आईडी और यूजर पासवर्ड है, वही अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू जो है डेटाबेस के सर्वर से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जिसके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है वो डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो क्लाइंट सर्वर डेटाबेस में यही जो है इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास डायग्राम में, यहाँ पे हमारे पास सर्वर है, इस सर्वर पे जो है डेटाबेस को स्टोर करके रख दिया गया है और इसके साथ बहुत सारे पीसी जोड़ दिए गए हैं, क्लाइंट को जोड़ दिए गए हैं, और ये सारे यूज़र अपने अपने पीसी पे यूज़र आईडी और पासवर्ड से अपने डेटाबेस के एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वहाँ से एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे इस सर्वर के पास, और सर्वर उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और उसी के हिसाब से इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करेगा। तो यही है क्लाइंट सर्वर डेटाबेस सिस्टम। तो क्लाइंट सर्वर डेटाबेस सिस्टम को थोड़ा सा आपको अच्छे से कंसंट्रेट करना है,
क्योंकि ओरेकल का डेटाबेस जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्लाइंट सर्वर डेटाबेस की ही बातें चलेंगी। तो हमारा जो है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम का वीडियो लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैरेलल डेटाबेस सिस्टम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।